बकलोल चैनल। हाँ जी। कॉमेडियन चैनल। या। आइडिया कहाँ से है इस चैनल का नाम सोचने? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो बहुत। कॉमेडी में चोट ये है कि चूहा बोरी उठा नहीं सकता, पार जरूर सकता है, तो यही वाली चीज है। अरे सारे मेरे भाई हैं। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली का एक प्रोग्राम है और यूट्यूब का, तो सभी मेरे यूट्यूबर भाई यहां पर मुझे मिल गए हैं और ये एक ग्रुप है और बड़ा मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं इस ग्रुप में बैठ के इनसे बातें कर पा रहा हूँ। बहुत बड़ा यार, मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ और इनसे बात कर पा रहा हूँ। राम राम बेबे। राम राम। और ठीक सुकती भाई। राम राम। राम राम भाई, के आर्ट से कच्चे कट रहे हैं भाई। राम राम। राम भाई, भाई कैसे? बढ़िया, आप बताओ भाई जी कैसे? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम झकास, मजा आ रहा है भाई जी। अच्छा, तो चाय पे चर्चा, तो चाय तो खत्म होगी, चर्चा रहेगी वही यार। तो बकलोल चैनल। हाँ जी। कॉमेडियन चैनल। या। आइडिया कहाँ से आया इस चैनल का नाम सोचने? नाम तो जी हमने कुछ ना सोचा था पहला, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा था कि हमें कंबाइन करके कुछ ऐसा था कि हमें फ़नी कुछ नाम चाहिए था कि हमें कि लोगों को समझ में आएगी और कि चैनल है किस लिए, तो इसलिए हमने सोचा बकलोल जो करते हैं लोग, बकलोली करते हैं, तो ऐसा कुछ नाम भी ऐसे बकलोल वाला होना चाहिए, तो इसलिए बकलोल वीडियो रख दिया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आसान है तो एक शूट में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद एक वीडियो 10 मिनट की निकल के आती है, तो एक 10 मिनट की वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारी रातें होती हैं जो एडिटिंग के टाइम पे हमने काली की हुई होती हैं, और बहुत सारे दिन होते हैं जो शूट में निकले होते हैं, और बहुत सारी चोटें भी लग जाती हैं कई बार शूट करते हो, तो बहुत मेहनत होती है। कॉमेडी में चोट, अगर आपका एक सीन है अभी लाइक मेरी एक रिसेंट वीडियो में एक सीन आ रहा है कि जिसमें मैं गाड़ी की विंडो से बाहर निकला हूँ, मतलब जो दरवाज़ा था उसके ऊपर बैठा हूँ, तो आधा बाहर हूँ, तो अगर ऐसे सीन करते हुए आप गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है, तो बहुत बारी अभी एक है नहीं अभी वो, तो एक हमने वीडियो शूट कर रहे थे कि व्हेन इंडियन बाय अ न्यू कार, जब एक इंडियन नई गाड़ी खरीदता है तो क्या होता है, उसके दोस्त कैसे आते हैं, वो कैसे लड़ाई करते हैं गाड़ी के पीछे, तो उस टाइम पे उसका इतना सा पाँव बचा था गाड़ी उसके पैर पे से चढ़ जाती, तो बहुत बारी ऐसा गिर जाते हैं, भागने वाला सीन है गिर गए, तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि चोट भी लगती है। कितना आसान या मुश्किल है इसमें अपने करेक्टर को संभाले रखना? मुश्किल तो है भाई, आसान होता तो सब नहीं कर लेते, क्योंकि ऑनेस्टली जब हम सोचते हैं यार कॉमेडी चैनल है, बड़ा इजी से काम करते हैं, मस्ती से काम करते हैं, उसमें मस्ती कितनी, सीरियसनेस कितनी होती है? देखो काम ऐसा है कि मज़े भी आते हैं, पर सीरियस होने के वक्त सीरियस भी होना पड़ता है, जब एक बार एक्शन बोल दिया तो सब कुछ भूल डाल के अपने कैरेक्टर पे आना होता है। मतलब कॉमेडी का भी काम सीरियसनेस से करना पड़ता? क्यों नहीं हो सकता, मान लो कि मैं घर से निकला किसी गुस्से के मूड से, अब मेरे को एक्शन बोल दिया मेरे को कॉमेडी करनी है, तो वो मेरे लिए सीरियस हो जाएगा तब कि कॉमेडी करनी है तो करनी है। बेबी मैं तो उठ गया फिर आ गया। आपके ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है और किसकी धोती धोते हो आप, मतलब किसकी मट्टी पुलिस करते हो? तो सबसे मेन कैरेक्टर तो मैं पंकज को ही बोलूंगी, पंकज है मेल कैरेक्टर है हमारा और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है हमारे वीडियोस का। ओके। तो बहुत मुश्किल होता है हंसाना लोगों को, लेकिन हाँ पंकज ने हर इमोशनल भी है, इमोशनल वीडियोस भी बनाते हैं, तो अच्छे से सारे कैरेक्टर्स निभाता है, इमोशनल से लगे फनी एवरी कैरेक्टर, रोमांटिक भी होता है। बहुत सारी वीडियोस हमने की हैं जिसमें फनी भी है, इमोशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, लाइक माँ के ऊपर वीडियो किया, एजुकेशन के ऊपर वीडियो किया, तो बहुत सारी है, मतलब टाइम टू टाइम कि अभी लगता है कि हमने बहुत हंसा लिया तो लोगों को रुलाया भी बहुत है, तो सारी चीज़ें चलती रहती है साइमल्टेनियसली। आपका मुख्य करेक्टर क्या रहता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि कैरेक्टर एक फिक्स होता है, लेकिन बस ये है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है कैरेक्टर। दिल से पूछ रहा हूँ। हाँ। आपका कद थोड़ा सा छोटा है। हाँ। तो इसमें आपको क्या लगता है? देखो ऐसा होता है कि चूहा बोरी उठा नहीं सकता, पार जरूर सकता है, तो यही वाली चीज है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यही वाली चीज है कि कैरेक्टर के हिसाब से होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैं डेफिनेटली लाख करूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मैं ही कर पाऊंगा, यही वाली चीज। तो इस बात को आप स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं, मेरा करेक्टर है मैं ही कर सकता हूं, किसी और के पल्ले किसी और के बस की बात नहीं है, एक बार मेरे हाथ में आ गया तो मेरा है ना, मुझे जीतना है उसको, फिर यही वाली चीज। दीदी फिर मैं आपके पास आ गया। वीडियो बनाते हैं आप। हाँ जी। किसी वीडियो में बहुत मेहनत की और वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप हो गई,
उस व्यूज़ नहीं उठ पाए तो कितना दुख उस पर होता है। एक ऐसी वीडियो थी हमारी, ऊपर वाला सबकी सुनता है, जब हमने वो वीडियो शूट करी तो ऐसे ही था कि ये शायद वीडियो नहीं चलेगी, और डालने का भी मन नहीं था कि भी इसको हम यूट्यूब पे डालें भी। सब कुछ हो गया, शूट वूट सब कुछ हो गया, एडिट हो गई, फाइनल वीडियो आ गई, लेकिन हमें देख के ऐसा लग रहा है नहीं ये नहीं चल सकती है कुछ भी। लेकिन फिर भी हमारे पास उस टाइम कोई कंटेंट नहीं था, हमने फिर भी अपलोड करी वो वीडियो, और आज वो वीडियो ट्रेंडिंग 22 कंट्रीज में ट्रेंडिंग थी और 150 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर। 150 मिलियन अर्निंग कितने हो गई उस पे? अच्छा वो जो अर्निंग होती है, अर्निंग तो बहुत हुई है, हमारे कितने सपोर्टर्स हैं, कितनी हमारी पब्लिक ने प्यार दिया है, वो सारी अर्निंग ही तो है। हाँ वो तो खैर अच्छा है, हम वो एक वर्ड है उसको हम घुमा के ये बात कह सकते हैं। YouTube से अर्निंग कितनी हो जाती है? मैं आंसर करूंगा। ओके हाँ भाई थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। नीचे मेरा एक्चुअली शूट है ना 4:30। अच्छा एक सेकंड रुकना। हाँ हेलो एक सेकंड। ओके ओके तो उस अर्निंग में सब कुछ क्रू मेंबर कितने हैं अपने टीम में? क्रू मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, मेंबर्स बहुत सारे हैं हमारी टीम में, ऐसा कुछ नहीं है, हम मिल बांट के सब एक साथ काम करते हैं। खर्चा पानी मिल बांट के सबका निकल जाता है, पर बंदा कितने बटे जाता होगा? मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या रहता है कि एक तो टीम बहुत बड़ी है तो, और YouTube की अर्निंग कभी भी ऐसा नहीं है कि फिक्स आ रही है हर बारी कि 20,000 ही आ रहे हैं, वो कभी 20 के 30 भी हो जाते हैं, कभी 20 के 15 भी हो जाते हैं, तो हर बार फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरा है कि स्पॉन्सर्स भी होते हैं आपके पास, कि आपने अगर किसी को स्पॉन्सर किया है या कोई ऐड शूट किया है कुछ भी किया है तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो सोर्स ऑफ अर्निंग हर बार ही फ्लक्चुएट रहता है कि इस महीने मान लो आपने 3 स्पॉन्सर करे 10,000 रुपये के, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 नहीं होता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब कितना होता है? होता है ठीक ठाक होता है, पर्सनली बताएंगे, ये कैमरा जब बंद हो जाएगा तब बताएंगे। मतलब 1-2 लाख तो हो जाता है पर्सनली, कैमरा बंद हो जाएगा तब। मतलब अच्छा होता है यार, हर कोई अगर कोई भी YouTube चैनल बना रहा है तो मेहनत करोगे तो अच्छी अर्निंग होती है कि आप अच्छे से खा पी सकते हो और भाई उससे मिल सकते हो और कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो बढ़िया। मतलब लाइफ कैसी है एक यूट्यूबर की? जैसे एक हीरो हीरोइन की होती है ग्लैमरस लाइफ, तो वैसी लाइफ तो है पक्का है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है, जहाँ जाते लोगों का प्यार मिलता है। अगर हम किसी शॉप पे कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर अगर किसी ने इतना प्यार दे दिया, हमारा ये मन करता ही नहीं पूछने कि भाई पैसे कम कर ले, वो पहले इतने कम कर देते हैं कि भाई आप ले जाओ, आप हमारे भाई हो। तो एक भाई हो जैसा प्यार मिलता है हर किसी से जहाँ भी जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी इनकम तो यही है कि आप जहाँ जा रहे हो आपको इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, आपके साथ फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, तो इससे बढ़ के तो पैसा तो आदमी किसी भी बिजनेस में कैसे भी कमा लेगा, लेकिन ये चीज़ कमाना सबसे इरिटेट भी हो जाते हैं जब बार बार सेल्फी लोग लेने के लिए आते हैं और काम पर जाना पड़ता है, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, इरिटेशन होती है? नहीं उसे इरिटेशन नहीं होती, लेकिन वो लोगों का प्यार है हमारे लिए, हमने ये कमाया है, हमारी यही मेहनत है जो रंग लाई है हमारे लिए। परेशानी तो होती होगी लेकिन कह नहीं सकते हम उसको, परेशानी तो होती है? नहीं 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 बिल्कुल परेशानी नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लोग हमारे पास आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या है कि जैसे पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होती ना, हैं सारे हमारे भाई बहन जितने भी हैं उनका प्यार पूरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बात करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं होता, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज ऐसी होती है, वो उनका तरीका ऐसा होता है बात करने का जो हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, बट वो चीज़ें मैनेज करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कई बार ज़्यादा भीड़ है, सपोज़ अभी यहाँ पे 4 लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, उधर से 5वां है, वो बेचारा नहीं करा पा रहा, तो वो इरीटेट होके परेशान होके कुछ भी बोल सकता है। 10 के 10 को हम खुश नहीं रख सकते, कोशिश करते हैं पूरी। हाँ कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन हाँ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं खुश हो पाते, वो कुछ जेलेसी भी होती है या कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं हमसे, तो इस वजह से। लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं होती बिल्कुल, है ना, कोइंसिडेंटली ऐसा होता है। अच्छा पूरे ग्रुप में आप अकेली लड़की हैं? हाँ जी। कितना सेफ महसूस करते हैं इनके साथ? अरे सारे मेरे भाई हैं। ले भाई टॉपिक ही खत्म ही हो तो। मजा कितना आता है? बहुत मजा आता है शूटिंग के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना। स्क्रिप्ट कौन लिखता है? स्क्रिप्ट हम सब मिल बांट के ही लिखते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है यार मेरे डायलॉग थोड़े लिख दियो, ज्यादा से डायलॉग मेरे ना लिखे हो। एक्चुअली हाँ मेरा सीन ज्यादा होना चाहिए, डायलॉग कम होने चाहिए। नहीं नहीं एक्चुअली स्क्रिप्ट बेस्ट बनाने की कोशिश रहती है, चाहे हमारा सीन हो ना हो, किसी और का सीन अच्छा हो, अगर स्क्रिप्ट उससे अच्छी बन रही है तो वो कोशिश रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर आ रहे हैं तो हम ही मेन फेस, चैनल के मेन फेस हैं, अगर हमारी स्क्रिप्ट कोई और अच्छी बन रही है, अगर ये उसका कैरेक्टर बढ़िया है तो यही प्ले करेगा, ऐसा नहीं है कि इसका अच्छा है तो प्ले मैं कर दूंगा। अगर इसका कैरेक्टर अच्छा है, वीडियो फनी बन रही है, लोगों को मज़ा आना चाहिए, चाहे वो कैरेक्टर ये प्ले करे, मैं करूँ ये करे, हमारे लिए वो नहीं होता, हमारे लिए ये कि लोगों को मज़ा आना चाहिए।
जब आप नहीं नहीं जब आप काम करते हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, डायलॉग बाजी चल रही है, रीटेक पे रीटेक भी कई बार होते होंगे, तो डांट सीरियस कितनी पड़ती है? कई बार तो बहुत सीरियस डांट पड़ती है, रोना भी आ जाता है। सोचते होंगे छोड़ दे काम साला, मैंने तो नहीं करना ये काम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रोग्राम ही छोड़ के अपने घर चले गए, फिर मनाने के लिए 10 मिनट बाद घर पे आएंगे, नहीं चलो चलो ऐसा कुछ। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम अंदर से और एफर्ट डालते हैं कि नहीं अगली बार जो शूट अगला जो टेक होगा वो इससे भी बेहतर करके दिखाना है, ऐसे करते हैं। लेकिन डांट पड़ती है। हाँ डांट तो पड़ती है। कोई मास्टर भी है टीम में या सभी मास्टर हैं? सभी मास्टर हैं अपने अपने। डांट पड़ती है भाई जी? नहीं मैं डांट नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। डांट मारने वाले नहीं है भाई, भाई सच्ची बता दे यार। भाई देखो डांट वाट कुछ डांट वाट कुछ नहीं होती भाई, लेकिन एक बात है ना कि अब मान लो बाहर का शूट कर रहे हैं, लाइट निकल जाएगी तो यह कि 2-3 टेक फिर अगर लंबा खींच रहा है तो जल्दी करो। यूट्यूबर बनना चाहिए कि नहीं? हाँ। इससे हमारा घर परिवार चल सकता है कि नहीं? तीनों से पूछूंगा पहले आप। हाँ। प्रोफेशनली अगर हम लेके चले यूट्यूबर बनना कितना सही है परिवार का पेट पालने के लिए? टिक टिक वन, टिक टिक टू। हाँ बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, बन सकते हैं। यस देखो मैं बताऊंगा, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप यूट्यूब के भरोसे ही चल रहे हो, आपके पास कुछ और सोर्स ऑफ इनकम या कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी कि भाई वो बंदा बन गया मैं भी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने BCA किया हुआ है, MBA किया हुआ है, इन्होंने MBA किया हुआ है और MBA मास्टर ऑफ बैड एक्टिविटी। नहीं बैड एक्टिविटीज़ तो नहीं, बैड एक्टिविटीज़ तो सिर्फ वीडियोस में होती है और कंटेंट हमारा बिल्कुल क्लीन है, छोटे बच्चे भी बहुत देखते हैं वीडियोस। तो फैमिली प्रोग्राम है, बिल्कुल 100% क्लीन कंटेंट है। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे हो कि मैं भाई ये बन रहा हूँ तो निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, लोगों में पेशेंस नहीं है, ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं कि भाई मैंने 2 वीडियो डाली उस पर 500 व्यूज़ आए लेकिन पैसे नहीं आए। हाँ 500 पे तो कैसे पैसे आएंगे, है ना? तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई, कुछ लोग ऐसा परसेप्शन है कि 1 लाख व्यूज़ पे 7,000 हो गए। फ्यूचर बन सकते हो, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस यही है कि भाई ने बोला बैकअप प्लान होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा ये है कि जैसे आप 9 to 5 जॉब करते हो ना, ऐसे यूट्यूब पे ये नहीं कि आप एक दिन कर लिया फिर 4-5 दिन बाद फिर करो, मन से करो डेली। 6 महीने लेके चले इसको अगर सोचें तो कम से कम। नहीं देखो हमारा जो हमारे को ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और जो हमारा एक्चुअल में चैनल स्टार्ट हुआ था 1.5 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, 1.5 साल के बाद जो स्टार्ट हुआ तब हुआ है, 1.5 साल तक इट वॉज 0। 1.5 साल तक स्ट्रगल किया है, कह सकते हो स्ट्रगल ही था वो, अभी भी स्ट्रगल ही है, स्ट्रगल ही है क्योंकि अब कंपटीशन की भावना पैदा होगी। वही तो अभी 10-20 हज़ार से क्या हो रहा है यूट्यूब। टीम का बेस्ट डायलॉग? बदतमीज बैठो नीचे। मेरा तो कोई बेस्ट डायलॉग है ही नहीं, बहुत सारे हैं। डांट कौन सा नहीं, मेरे तो बहुत सारे हैं। नहीं लेट आने वाला मैं हमेशा स्कूल में लेट आता हूँ और मैम को कुछ ना कुछ बहाना बताता हूँ कि जैसे लेट आया, मैम ने बोला लेट क्यों आया, तो मैंने बोला कि वो नीचे बोर्ड लगा हुआ था ना उसकी वजह से लेट आया हूँ। कौन सा बोर्ड? अरे वही, कृपया धीरे चले आगे स्कूल है, अब धीरे चलूंगा तो लेट ही आऊँगा ना। आपका डायलॉग यही है? मेरे तो बहुत सारे हैं, कैसे बताऊँ। बहुत सारे। चलो जी ये टीम से मिला, जैसे जब ये खड़े थे तो थोड़ा सा सीरियस लग रहा था, लेकिन सीरियसली बगलोल चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टेप अप जेसर चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, बाय।